अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियस होंगे। तो आज ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ हो गई हैं, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अपनी सिस्टर की तरफ थी, ठीक है। अम्मी पापा लोग आए हुए थे तो उनके पास हम बैठे हुए थे। मेरे जो था ना यहाँ पे चूज़े का पोल्ट्री फार्म जो मैंने यहाँ पे बनाया था, देखें ये आज अहमद न्यू लेके आया ये वाला जो चूज़ा, ठीक है। और ये पहले पुराने वाला, ठीक है। इसमें थे 6 चूज़े, 5 मेरे पहले थे और 6/6 आज आया था, तो उसको खा गई है आज बिल्ली। 2 इतनी मोटी मोटी बिल्लियाँ मेरे घर में घुसी आई हैं, मज़े से चूज़ा उठाया और जाके पार्टी करेंगे। दोबारा आई हैं और जब दोबारा मैं घर तब तक घर आ गई थी, जब वो दोबारा आके चूज़ा लेके जा रही थी तो दूसरे जो 2 चूज़े रह गए थे उन्होंने शोर मचाया, तो फिर मुझे पता चला कि जी मेरा जो पोल्ट्री फार्म उजड़ गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ठीक है। और ये रहा मेरा बगीचा, अपने बगीचे के पास जो था मैंने अपना पोल्ट्री फार्म सजा के रखा हुआ था, ठीक है। ये देखे मेरा पीछे बगीचा और ये मेरा पोल्ट्री फार्म। अभी अहमद जो है वो ट्यूशन गए हुए हैं, ट्यूशन से आते हैं तो फिर उनसे और चूज़े मंगवाते हैं और फिर अपना जो है पोल्ट्री फार्म फ्रेश फ्रेश करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे जो थे ना मैंने 1 वीक से उनको इतने मजे नाजों से लगा ले पा रहे थे, हीटर लगा के उनको हर टाइम पास रखा हुआ था, उनको खाना जो था उनकी फीड होती है वो ला के दे रहे थे, उसके अलावा पानी प्रॉपरली, उनका फिर छत पे धूप में लेके जाना, उनको वॉक करवाने के लिए छोड़ना, फिर उनका पूरा ध्यान रखना, बड़े ध्यान से मैंने इतने दिनों से रखे हुए थे, ठीक है। तो चलें जो अल्लाह को मंजूर, वैसे मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। तो बाकी रहा वार्डरोब का काम, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मेरी वार्डरोब जो है वो बन चुकी है, देखे टोटली साफ। इतने हम मसरूफ़ हैं, इतने हम मसरूफ़ हैं कि आपको क्या बताएं, इतने मसरूफ़ हैं हम। अगर हम ये काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे या इसकी सेटिंग का काम करेंगे तो आराम कौन करेगा, है ना। आराम भी तो बहुत ज़रूरी है, तो हम सारे काम छोड़ के करते हैं सिर्फ और सिर्फ आराम, सबसे इम्पोर्टेंट काम आराम, ठीक है। इन जो 3-4 कैबिनेट थे ना, इनकी मैंने जो है वो सेटिंग जो है वो कर ली हुई है, ठीक है। इसमें फुल लंडा हमने घुसा दिया हुआ है। कैसी है बातें करा लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। इसमें भी हैंगिंग है और इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस ये जो वार्डरोब थी ना, ये वाली, ये मतलब ये कैबिन जो है ये मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए रखा है। मैं एक मिनट आपको ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा, इसमें रुखसार आयत की जो मैक्सीज हैं, अहमद के 2 ड्रेस और ये फलक की 3-4 मैक्सीज हैं, और ये मेरा वो जो शरारा जो मैंने मतलब अपने देवर की शादी पर बनाया था सारा, ठीक है। ये तो इसमें मैंने ये रखा है, बस इतने से कपड़े रखे हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो है मैंने वो मतलब अभी रफली इसको ना सेट किया है, अभी प्रॉपरली इसको सेट नहीं मैंने किया है, ठीक है। क्योंकि अभी ये वाली अलमारी जो है ना, ये वाली, ये छत पे जाएगी रूम स्टोर रूम में, फिर ये सारा जो एक्स्ट्रा सामान उसमें जाएगा और फिर जो है ना प्रॉपरली इसको सेट करेंगे। तो इसको मैं खोल लूँ पहले, तो जी ये मौसम के लिए जो है मैंने अलहदा से कैबिन रख दिया यहाँ पे, उसके एक यूनिफॉर्म, उसका कोट, उसकी वेस्ट कोट्स, ठीक है। और इसके ये डेली बेस पे यूज़ होने वाले ड्रेसेस और टी शर्ट्स वगैरह जो है ना, ये जो है मैंने रखे हैं इसमें। अभी मैंने थोड़े से जो अपने बैग्स हैं वो निकाल के रखे हैं, ठीक है। इसमें ये छोटे पाउच हैं और ये बाकी मेरे रेगुलर यूज़ वाले बैग्स इसमें हैं, ठीक है। फैंसी बैग्स भी अभी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो अभी मतलब मैंने आपको बताया कि ये रफली मैंने सेटअप इसका, ये सारा जो है ना, ये सारा रफली सेटअप मैंने इसका किया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम बड़े ज़्यादा मसरूफ तरीन बंदे हैं, बहुत ज़्यादा आराम करने वाले बंदे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी तो करते हैं पूरे घर की लाइट्स ऑफ, क्योंकि बिजली जो है ना वो बहुत महंगी हो चुकी है, तो बिजली बचाओ और आमदनी बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, ठीक है। यहाँ पे हमारी बन रही है जी आलू मेथी, वाह वाह वाह, मज़ेदार सी आलू मेथी। ये आलू मेथी का जो है ना वो मैंने 1.5 साल के बाद मेरी मेथी घर में ली है। तुम तो यार झुक कर दो, तुम लोग कितना शोर मचाते हो, मैं आपको और बताऊँ।
ये देखें जी, ये है हमारे पैरट्स, ये मौसी ने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने रूम में। इधर आओ, चूजे पता है कहाँ से मिलते हैं? जाओ मुझे चूजे ला के दो। खत्म भी हो गए हैं? मैं तो आज लेके आया नहीं हूँ। वो एक लड़के से लाया। अच्छा चलो ठीक है, आप जाओ। तो जी ये तो कह रहा है कि जी चूजे जो है उस शॉप पे ख़त्म हो गए हैं। लेट्स सी अहमद आता है तो देखते हैं, आई होप के मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि मौसिन भी जो है वो उनको भी काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी इनसे, वो इनका सुबह फीड लेके आए कि इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, इनका प्रॉपरली ध्यान रखना। चले जी, खैर नहीं थे वो अभी हमारी किस्मत में इतने ज़्यादा दिन रहने, जितने देर था उनके मुकद्दर में जीना और जितनी उनकी सांसें लिखी थी उतनी उन्होंने ले ली हैं, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको खाने का बता रही थी कि आज मैंने तकरीबन जो है ना वो 1.5 साल के बाद अब मेथी का सालन लिया है, बनाया है। ये मुझे बनाना है इसका ना, मुझे थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, इसमें बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आज मैंने सोचा कि चलो टोके के साथ, जिससे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग्स में बताया था कि मैंने साग बनाया, तो मैंने कहा चलो उससे जो है ना इसको कुतर के तो बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने और फलक ने बैठ के इसको सारी छांटी वगैरह करके तो साफ करके हमने रख ली, बस उसकी कटिंग का टाइम था, तो मैंने कहा टोका चलाऊँगी तो बस हो जाएगी, और इसमें क्या इशू है। जब मैंने उसको जी टोके के अंदर डाला तो वो तो चले ही ना, उसकी कटिंग भी ज़रा ना हो, तो बड़ा मुझे मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई। फिर उसको मुझे मजबूरन जो है वो छुरी से काटना पड़ा, और ये देखे मेरी फिंगर पे उसके कट के निशान भी आ गए हैं। ठीक है, कटिंग बोर्ड पे मैंने कुछ काटी, क्योंकि जाहिर सी बातें ज़्यादा थी तो मैं कितने ही उसको कटिंग बोर्ड पे काटती, तो मैंने कुछ पकड़ के फिंगर से भी काटी, तो मेरे थंब पे भी इसका निशान आया। तो मेरे साथ तो आज सारा दिन जैसी ट्रेजेडी, मेरा तो बड़ा बैड डे आज गुजरा है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं आकर थोड़ी देर रेस्ट किया, तो मुझे मेरी सिस्टर कहती हैं कि जी आज मुझे ना गुड़ वाले चावल बना दो, तो मैं कहती मुझसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तुमसे नहीं बनते। तो कहती नहीं आप बना के दो, उसको चावल बना के दे क्या, अभी मैंने खाना चढ़ाया। तो बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है, व्लॉग का भी टाइम नहीं मिलता। कल कुछ तबीयत नहीं थी सेटिस्फाई, जैसे मैंने व्लॉग कुछ था भी नहीं करने के लिए, क्योंकि मैं सारा जो है काम वो वार्डरोब का कर रही थी, उसमें शिफ्टिंग कर रही थी सामान का, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, आए आए फलक मैडम आए, चूजे बिल्ली ले गई है। हाँ जी बिल्कुल ले गई है चूजे, चेक करो देखो बिल्ली ने पार्टी की है आज। कैसे? मुझे क्या पता, तुम लोग जाते डोर ओपन कर गए थे। प्रैंक तो नहीं है? नहीं मजाक नहीं, वाकई लेके गई है, पार्टियां की हैं बिल्लियों ने आज आके। ये भी प्रैंक्स होते हैं भला इस तरह के भी, तुम्हें पता मैं एक हफ्ते से उनको पाल, चार चूजे ले गई है। वो दो बिल्लियां थी, एक नहीं थी इतनी मोटी मोटी वाली, दो बिल्लियां थी। आपने कब देखा? मैं किचन में थी, मैं मासी के घर से आई ना, मैं किचन में थी, तो चूजों की आवाज़ें में भागी अंदर आई तो देखा तो बिल्ली पार्टी कर रही थी। मर गए? तो कुछ जाहिर सी बात है, उसके पेट में चले गए, अब क्या मरना ही था उन्होंने। चलो और ले आओ, मिलेंगे अहमद को पता। चलो ठीक है, अहमद आता तो फिर। तो जी फलक का मूड आपने देख लिया, उसको बड़ा दुख है। आप लेके आओ, मिला बेटा कह ले, मैं मामा लेके आता हूँ, तू लेके आएगा? काश लेके आओगे। दूर ओ मैं सदके जाऊँ, मेरा छोटा बोलो पाला सा बेटा है जी, मेरा छोटा सा शाह है ना, ये देखना मोहम्मद उमर, तू कौन सा बच्चा है? कौन सा गंदा के अच्छा? अट्ठा। कौन सा अट्ठा क्या है? अट्ठा अट्ठा बच्चा है, मिलो बोलो अट्ठा बच्चा, बोलो बोलो मैं। क्या है तू? अट्ठा बाटा। आटा बाटा कहाँ से अच्छा है तू? और चाला ही अच्छा है, चाला ही अच्छा, चाला प्यारा प्यारा सा बच्चा है मेरा, ये प्यारा सा बेटा है ना। वैसे तू चूचू लेके आने, और अब ये भाई आता है ना, भाई के साथ जाके ले। केला नहीं, भाई अंधेरा हो गया है बाहर, बाहर भू है, बाहर नहीं जाते अच्छे बच्चे, अकेले बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो जी अभी अहमद आता है, तो अहमद को जो है हम अपने चूजे लेने भेजते हैं। ओह अच्छा, तो व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे व्लॉग का करते हैं एंड, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और मेरे पोल्ट्री फार्म के उजड़ने का थोड़ा सा अफसोस कर लीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।